नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बिहार में लगातार इन दिनों आई फ्लू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी जो है अलर्ट मोड में है। इस बीच जब हम मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन यूसी शर्मा से बातचीत किए तो उन्होंने कई सारी बातों को कहा। उन्होंने इस मामले पर बताया कि यह एक संक्रमण के कारण यह बीमारी फैलती है और इसे बचाव के लिए भी विभिन्न सारी उपायों के बारे में बताया। क्या कुछ कर रहे हैं यूसी शर्मा, पहले आपको सुनिए। बढ़ते आई फ्लू को देखते हुए बिहार में अलर्ट मोड पर उसके लिए हम लोग सभी प्रभारी को इंस्ट्रक्शन यहाँ से भेज दिए हैं। SCMO के माध्यम से भी गया है कि अपने यहाँ इसके बारे में लोगों को प्रचारित कराएं कि जहाँ भी आँख लाल हो रहा है तुरंत चिकित्सक से मिले, उसको रगड़े नहीं और चश्मा लगा करके, धूप वाला चश्मा लगा के रहें और डॉक्टर के बिना प्रेस्क्राइब किए कोई आई ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करें। जो आँखों से आंसू आ रहा है उसमें अगर पहुँचते हैं रुमाल वगैरह से तो उस रुमाल से दूसरे को नहीं इस्तेमाल करने दें और अक्सर हाँ जिनका लाल आँख जा रहा है वो अलग रहें, दूसरे के संपर्क में नहीं है। नज़दीक संपर्क में जाने से एक दूसरे से होता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, एडिनो वायरस मोस्ट लाइकली इसका कारण है। कारण क्या है? वो वायरल इन्फेक्शन होता है, मौसम चेंज करता है तो वातावरण में सब चीज़ रहता है, वही जब उसके लाइक सूटेबल वातावरण होता है तो फ्लरिश करता है। इससे बचने के लिए सर? बचने के लिए है कि आइसोलेशन में रहिए, जिनका आँख लाल है उनसे अलग रहिए और आँख को रगड़िए नहीं, धूप वाला चश्मा का इस्तेमाल करें। खाने पीने से कोई ऐसा कुछ नहीं है, फूड बॉर्न का नहीं है। धूल का असर क्या है? अक्सर धूल से तो फैलता ही है, धूल उससे तो बचना ही है। तो आप सुन रहे थे यूसी शर्मा क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह एक संक्रमण के कारण यह बीमारी फैल रही है और जिसके कारण सभी प्रखंड PSC प्रभारी को जो है बता दिया गया है कि लोगों को कैसे इसके बारे में जागरूक करना चाहिए और इसके बचाव के बारे में लोगों के बीच जो है अवगत कराना चाहिए। तो इसी तरह की खबर के साथ बने रहें, देखते रहें मुजफ्फरपुर वाव।